कमरी तोड़ दी सरकार ने, अब कहाँ से हो जाएगा। अब तो यही है ऊपर वाले की वो है। उत्तर प्रदेश का आगरा जिला ताजमहल की वजह से ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। यही आगरा जिला चमड़े की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर चमड़े का व्यापार काफी लार्ज स्केल पर होता है। आगरा में बने हुए चमड़े के जूते और चमड़े के अन्य प्रोडक्ट्स देश विदेश में काफी प्रचलित हैं। लेकिन हाल में आगरा का चमड़ा उद्योग बंद होने की कगार पर आ गया है। पहले नोटबंदी की मार, फिर GST और फिर लॉकडाउन, और हाल ही में हुए कुंभ की वजह से कानपुर की टैनरीज बंद हो गई थी। इन सब के कारण चमड़े के व्यापार पर भारी असर पड़ा है। आइए बात करते हैं कुछ चमड़ा कारीगरों से, देखते हैं उनका क्या कहना है। बस खर्चा ऐसे चल रहा है कि कुछ ले दे के हो रहा है, कुछ वैसे हो रहा है, मगर कुल मिला के ये है कि किसी का दे नहीं पा रहे हैं किसी का है जो। अब आप देखिए ना, हम पैसे खाने पीने के लिए तो कैसे इंतजाम कर रहे हैं पैसे को, आप उन्हें पढ़ाएंगे कहाँ से। काम तो अभी बहुत ज़्यादा मद्दा है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, काम तो बहुत ही कम हो गया है, और लोग व्यापारी आ ही रहे हैं मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से ऑर्डर भी नहीं मिल पा रहे हैं हमको जो है। नौ साल में 6 साल से इतनी बहुत तंगी चल रही है, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कितनी तंगी चल रही है ना। तो मैं घर में देख के आओ, तुम्हें पता बच जाएगी। अभी तो बहुत बुरा हाल है इस समय जूते की लाइन में, और 2 साल से तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। लेबर यहाँ का आगरे का लेबर भूखा मर रहा था, काम था नहीं और अब भी काम नहीं है। अब तो कुछ सही है, ये लॉकडाउन हो जाता है। अब यहाँ सोमवार का जगदीशपुर में हमारे में लॉकडाउन लगता है, सोमवार बंद हो जाता है बिल्कुल। अब लेबर काम नहीं होती तो बेलदारी कर रहा बेचारा, काम होते तो करते थे, लॉकडाउन लगा तो भाग जाते हैं। आप लोगों को कितने दिन काम मिल रहा है भैया? महीना में वो कहते हैं कि कभी हफ्ते भर मिल जाए, कभी नहीं मिल पाता है, पूरे पूरे महीने बैठते हैं। पहले कितना कमा लेते थे आप? पहले अच्छा कमा रहे थे, गाड़ी भी किस भर रही थी, घर भी कुछ सब ठीक ठाक था पहले। और अब कितना कमा पा रहे हैं? आप कहाँ है, हफ्ते में थोड़ा सा काम रह गया। कोरोना काल में बड़े हालात बेचीदा रहे, बहुत खराब रहे, क्यों कोई काम हो नहीं पाया कोरोना काल में, और मान के चलो लॉस में खाने चीज़ें चली गई ज़्यादातर। सरकार की तरफ से हम लोगों का मदद मिल पाती है, बस वो राशन मिल जाता है, उससे क्या होता है। ऑर्डर का मेन कार्ड इसका ये है महंगाई की वजह से, मटेरियल रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया है, मिल पाना बहुत मुश्किल हो गया इसमें जो है, इसकी वजह से लागत ही बढ़ गई है। और कुल मिला के जो है जूता महंगा होने की वजह से आप ये कह सकते हैं लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, ये भी हुआ है इसमें। बच्चा तक ना पढ़ो, 3 साल में बैठा रहो, बड़े ढंग से भरू ना पा रहा हो, और कैसे पैसा टेंथ में मांग रहा हो, पढ़ाऊँ तो कहाँ पढ़ाऊँ। अभी भी आशंका है कि लॉकडाउन लग सकता है, तो बाहर से पार्टी पेमेंट नहीं देती हैं और ऑर्डर भी नहीं आ रहे हैं, इसमें जो भी काम है वो लॉस में चल रहा है। खर्चा ऐसे ही चला साहब, घर में हमारे पास तो जेवर रखा है गिरवी, बच्चों को तो खिलाते हैं हम, बच्चों को खिलाएंगे ना, जेवर है, कुछ पैसा था, कुछ लेबर को दिया हमने खाने को। बड़ी मुसीबत हो गई है 2 साल से लॉकडाउन से। अब 7 दिन में कभी वो कहते हैं 3 दिन आ गया, 3 दिन बैठे हैं भाई। जब सरकारी कुछ कर दे चुदर उधर तो कहाँ से काम होगा? सरकार की तरफ से क्या है, कोई मदद नहीं हमारी तरफ तो नहीं। जो पैसा मार्केट में फंसा था, कुछ व्यापारी भाग गए, कुछ मतलब फंसा डाला है, वो फंसा डाला है, मतलब मिल नहीं पा रहा है। और काम धंधा है जो भी, अब तो मानो चलो ज़्यादातर नगद का व्यापार रह गया है, तो उसमें दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। ये तो हम जैसे हमें वैसे हमें फैसिलिटी दे दी है, हम लोगों के लिए थोड़े ना वो अच्छे बच्चे अच्छे जहाँ लोग जाते हैं वहाँ हमारे के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब वही तो बात है, जब हम काम ही नहीं मिलेगा हमें, हमारी जेब में पैसे नहीं आएंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे। अब ये 15 दिन से काम किया था, अब सोमवार को पूरे जगदीशपुरा बोलते हैं इसको, तो ये लॉकडाउन यहाँ लग जाता सोमवार को, सोमवार मगर काम नहीं होता, फिर पोजिशन ख़राब है जूते की यहाँ, मगर सुखी नहीं है कोई। वैसे यहाँ पे हम हफ्ते का काम देखते हैं, 7 दिन में काम कितना होता है। पहले कोरोना काल से पहले हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन 5 दिन काम होता था पहले, अब जो आ गया वो 4 दिन का काम रह गया, 4 दिन का और 3 दिन का, उसी में जो कुछ करना होता है उसी में मैनेज करना पड़ता है। पढ़ाई इच्छा कर रही है, मेरी कोशिश की हाँ मैं बच्चा पढ़ाऊँ, पढ़ाना चाहिए बच्चा, जनते आएंगे शिक्षक बने और कजू काम सीखे, कोई अच्छा सा काम दिखे हम दूसरे को सिखावे, पर भाई में रह रहे हैं हम, मोह सर कजू नाम एक आध 2 साल में बच्चे ही लाना पड़े नंबर काम पे। जब से कोरोना लगा है ना, जब से काम हुआ ही नहीं, अब वो सेटिंग कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद थोड़ा काम हो जाए, कुछ हमारे वर्कर उनकी दारू निकले। पूरा हाँ पूरे जगदीशपुर का लॉकडाउन लगा, 2 साल कारोबार बंद रहा, कारोबार 2 साल बंद रहा। हाँ सभी होगा,
अब सरकार ने जो मार्केट बंद कर रखी है भाई, तुमने कुछ भी किया हो कैसे भी किया हो, अब कारीगर तो बेकार हो रहा है, मेहनती आदमी तो बेकार हो गया, उससे मेहनती आदमी को तो काम चाहिए। हमारे हफ्ते में मतलब सिविल का काम है तो हफ्ते में, अब मान के चलो 20-20 से काम होता है, मान के चलो 3 दिन काम हो रहा है मान के चलो फैक्ट्री में बस, अभी कम से कम महीने में मुझको 8-10 दिन बस काम। पूरी तरह से फैक्ट्री बंद हो गई थी जब कोरोना काल आया था 2020 में, जब जो लॉकडाउन लगा था पूरी तरह से फैक्ट्री बंद हो गई थी, उस कोई काम नहीं था, हमारे जितने भी वर्कर्स हैं उनको भी काम के लिए बाहर जाना पड़ता, बिलदारी करने के लिए जाना पड़ा था, ये बहुत बुरी हालत हो गई थी समझिए आप। भाई साहब पूरे महीने ही छुट्टी रही, जहाँ महीना होना उसमें बैठे हम, जब पूछते महीना ने आपको कछु काम ना मिला उन्हें, और वैसे तो काम 3 साल थी ना मिल रहा, 3-4 साल थे, लेबर के लिए बहुत मुश्किल हुआ। खैर अपना तो जैसा था वैसा हो गया, लेबर के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, लेबर को जाना पता नहीं कैसे कैसे काम करने पड़े थे, कुछ हमने भी मदद की थी लेबर के लिए, लेकिन इतनी मदद ही करी जो मैं साफ बोलूँ, लेकिन लेबर के लिए बहुत मुश्किल था, और लेबर ने अपना कहाँ कहाँ काम करा पता नहीं, बड़ी मुश्किल से कटा है। ज़्यादा परेशानी करने वाले मास्टर स्कूल में बच्चों को, तो फिर हमने अपना जेवर फेवर रखा था उससे अपने फीस भरी थी मैंने, भाई बच्चे तो पढ़ाने हमें, जेवर किसके पास रखे थे ना? ये 5 रुपये सगड़े पर रखते हैं यहाँ। कौन रखता है? सुनार रखते हैं। सुनार जी लोवंडी में है सुनार, वो एक मंडी है, वो जेवर ही रखते हैं, और उससे ये नहीं कि हमारी मतलब पूरे इलाके जूते की फैक्ट्री में सभी में यही है, कोई सुखी नहीं रहा 2 साल में। घर का खर्चा कैसे चल रहा है? कैसे क्या बिंदारी करने जाते हैं, फिर बिंदारी बनते लाते हैं, कोई 300 दे रहा है, कोई 250 दे रहा है, क्या करें जब काम ही नहीं है, तो फिर बच्चों को भूखा तो मारेंगे नहीं। पर मिले जब ही तो मिलना चाहिए काम, हमें काम से मतलब है, मजदूरी चाहिए। पहले कितना कमा लेते थे आप? मैं बताता रहा हूँ तुम्हें, मैं हफ्ते में 3-4 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, खूब बैठूंगा, काम खूब मिलता था पहले, और खूब में पेट का पानी चलता, आज तक मतदान देखा नहीं कर ले मैंने, कितने साल होंगे 10-12 साल से काम कर रहा हूँ नापे में। सब चीज़ ज़्यादातर जैसे रॉ मटेरियल वगैरह ये सब चीज़ हैं, ये ज़्यादातर हमें भी दिक्कत हो रही है एडजस्ट करने में, अब करना पड़ता है कहीं ना कहीं से लेके, जैसे मान के लोग किसी कर्जा ले लेते हैं, अब काम तो चलाना ही है, तो लॉस में कहानी चल रही है, मतलब माइनस में ही चल रही है, जो हमने पिछले बार मतलब उससे पहले लोन ले रुके कोरोना काल से वो तक नहीं चुक पाए हमारे। अब सारी दिक्कतें तो यही है खर्चे की, चलेगा कैसे, उल्टा सीधा कर्जा लेना पड़ता है ब्याज पे, अब वो भी हैं तो ब्याज, वो लॉकडाउन जैसी स्थिति को समझते नहीं है, उनका तो ब्याज चल रहा है। बता तो रहे मजदूरी करते हैं, कोई बिंदारी पे जा रहा है, कोई तुम्हारे घर के कोई झाड़ू पोछा लगा रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। मदद करी थी कई बार, मदद करी थी, लेकिन अपनी भी मदद नहीं थी हो रही थी, इस समय कोरोना काल में पेमेंट रुकी पड़ी थी, फंसे पड़े थे, मेरा पेमेंट भी अभी तक नहीं मिला है, तो पेमेंट के चक्कर में मार्केट स्लो हो गई, पेमेंट नहीं मिला, ऑर्डर नहीं मिला, तो अब नए सिरे से काम करना चाह रहे हैं। बच्चे कहीं पढ़ने जाते नहीं है क्योंकि घर में सब स्कूल बंद है। अच्छा बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं अभी? स्कूल जाते थे, अब बंद ही है तो फिर कहाँ से जाएंगे अब स्कूल? लॉकडाउन चल रहा है ये बताइए। कितना लिया आपने? मेरे ऊपर तो खैर चल रहा है एक, तुम्हारे क्या कहते हैं, ऑडी लिमिट चल रही है मेरे ऊपर 3.5 लाख के करीब, वो भी मैं टाइम से नहीं भर पा रहा हूँ, मतलब उसे चला नहीं पा रहा हूँ, मैंने 17 में मतलब ली थी लिमिट, तो जब से मैं उसे सही चला रहा था, कोरोना काल लगाया जब से मैं उसे चला नहीं पा रहा हूँ, मतलब कोरोना काल में कम से कम आ गया हमारे ऊपर 1,20,000 के आसपास, उसके बाद भी हमें दिहाड़ी उल्टे सीधे काम करने पड़े, जैसे बेलदारी है, ये मजदूरी वाले जो काम होते हैं ऐसे काम करने पड़े, सब्जी बेचनी पड़ी, और भी छोटे मोटे काम हैं वो करने पड़े, वो भी बड़ी मुश्किल से, मतलब लोगों ने उसका पूरा मेहनताना ही नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम ज़रूरत थी हमें, तो उन्होंने फ़ायदा उठाया जो बड़े लोग थे। जी बच्चे हैं मेरे, स्कूल जाते थे लेकिन अभी 2 साल से बैठे हैं। मास्टर लोग बड़े बड़े जो है वो फीस मांगते हैं, कहाँ से ला के देंगे जब काम धंधे ही नहीं है, तो खाने के तो लाले पड़ रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे हैं 4 बच्चे। तो अभी कितने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं? अब तो मेरे बच्चे सब बैठे हुए हैं। कद बार ऐसे इंसान दे देता हमने, इंतना गुजारा चल जाता है भाई, हम कहाँ पे आएंगे, इनके पास ही तो आएंगे, थोड़ा बहुत दे देते हैं भाई तो गुजारा कर लेते हैं, किन की चावल खा के सो जाते हैं। पहले आदमी जब मान के चलो क्या कहते हैं दिक्कत आएगी, तो सबसे पहले अपने खाना पीने का सब चीज़ का इंतजाम करेगा वो, ना कि जूते खरीदेगा, ये सबसे लास्ट का काम है, जब हाँ जूते का काम कच्चा काम है तो हमें बड़ी दिक्कत होती है भाई। देखो मुँह तो कचुना मिली है, माँ पिता ने नकद मिली है, बिन्ने बहू मिली है, राशन मिल रहा बस खाली, और कोई कचु मुँह तो कचु सब दाना मिली, मुँह तो जीना मिली कि मैं कहूँ मजदूरी मिल जाता मैं पेट भर के खा लूँ मैं कमा लूँ। सरकार की तरफ से तो अभी तक कोई मदद नहीं मिली। सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली, जो उनके वो क्या कहते हैं, अरे वो कौन से वो थे, अखिलेश
उनके उसमें सही चल रहा था काम धंधा, जब से जे बैठे जब से तो काम की कमर टूट गई काम की, तो अब काम की वो नहीं है रेगुलर। हाँ अब तो जो कोई है मेहनती है मेहनती हम जिंदे बाजे हैं बस। आप लोग योगी सरकार से नाराज हैं? और क्या, दो साल से बेकार हो गए, क्या करेंगे अब बताइए, कुछ करने लायक हैं?